हेलो फ्रेंड्स, और कैसा है बताइए। सब बढ़िया है ना। तो आज के लिए थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाने के लिए चाहता था, लेकिन आज खेती में बहुत परेशान हुआ था मेरे को थोड़ा। तो बताइए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पहले से बता देता हूँ, क्योंकि देखते देखते याद नहीं रहेगा। तो बने रही ऐसे वीडियो में भाई। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि आज तो कल जितना भी मैंने आप लोग के लिए बनाया था जो वीडियो, एक ही कमेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा वीडियो अभी तक बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचाया। तो मेरे देखिए, मेरा खेती का जितना भी मैंने हो सके मैं करते चल रहा हूं। तो आज थोड़ा सुबह से मैंने सुबह अपना मोटर ले आया, फिर भी अपना ट्यूल जो बोलती है ट्यूल में मैंने आपको दिखाऊंगा थोड़ा। ट्यूल में ट्यूल का जो मशीन आने के लिए अभी नहीं डालना है, तो अभी नहीं पहुंचने के लिए हो। फिर भी मैंने आपको साथ ऐसे ही मुलाकात करते रहूंगी डेली। तो देखिए, खेती में आज दिन भर है, यहीं पे है। तो सुबह थोड़ा मैंने आया था, तो जो चावल दे रहा था सरकार का चावल, सुबह लेने के लिए गया था। तो सुबह मैं खेती के पास नहीं आ पाया, तो मेरे को लग गया 12:30 बच्चों को यहाँ पहुँचाया। तो पहुँचने के बाद हम लोग को आपको अगला कैमरा मैं बताऊंगी जरूर। तो बने रही, जैसे कि आज तो थोड़ा बारिश लगता है, मेरे को लगता है थोड़ा बारिश भी होगा। थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पूरी तरफ अंधेरा लगता है सब हर तरफ है। तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा से आपके साथ शेयर कर लूँगी, तो मज़ा आएगा ज़रूर। तो देखिए, मैंने अभी इसी मौसम में देखकर, मतलब ये मौसम हो रहा था, जैसे कि आज सुबह से क्योंकि बारिश होने वाला है था, तो फिर भी मैंने थोड़ा वीडियो थोड़ा बना लिया है आपके लिए। तो बने रहिए। तो आज के लिए बहुत काम भी करना पड़ा मेरे को, क्योंकि सुबह तो थोड़ा आज धूप भी नहीं दिखाई देता है। और आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आज दिन भर है बारिश का, जैसे कि मौसम हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरफ पूरा अंधेरा ही लगता है पूरी। तो थोड़ा सा मैंने बताया जाए कि आज इतना ज़्यादा नहीं काम किया है, बहुत सारे काम किया है, बहुत थक चुका हूँ। और अभी टाइम हुआ है, मैंने 4 बजे तक हो चुका है। तो मैं सोचा कुछ थोड़ा सा वीडियो बना लूँगी। तो देख लीजिए, यहाँ का मैंने पूरी तरफ इसी लाइन को बनाकर, ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी भी दिया है मैंने सब इसी को। तो देख लीजिए, यहीं से लेकर पूरी तरफ यहाँ तक बनाया मैंने पूरा, इसको साग क्या बोलते हैं इसको, और प्याज थोड़ा, रसुन थोड़ा, ये सब वगैरह थोड़ा थोड़ा लगाया हूँ। तो आज पानी अपना हाथ से, ये सब हाथ से ही दिया है, पाइप लगाया, देख रहे हैं आप लोग वहाँ ट्यूबवेल का पास है। मैंने ट्यूबवेल का कम से कम मैंने मारा, ट्यूबवेल का पूरी तरफ मारकर मैंने पानी लगाया, आपको बताते हैं सामने कैमरा में। तो भाइयों देख सकते हैं, मैं ऐसे अपना जुगाड़ थोड़ा बनाकर ऐसे पानी में इसी में डालकर, इस देखो ये पाइप, इसे देखिए पूरी तरफ ये ट्यूबवेल से जा रहा है, देखिए। तो ऐसे दिन भर अपना ट्यूबवेल को मारकर आज दिन भर इसी ही काम कर रहा था 12 बजे तक आकर। तो देख लीजिए, यहाँ से पाइप मैंने लगाया थोड़ा, यह देख लीजिए। तो पाइप यहाँ देख लीजिए, यहाँ साग वगैरह और जो बोल रहा था मैंने रसुन और प्याज का और साग, 3-4 प्रकार है साग लगाया यहीं से। तो देख लीजिए भाइयों, अपना खेती जितना मैंने अकेला आपको पहले से बताया, मैंने अकेला ही मैंने इसी 75 डिसमिल को मेहनत करता हूँ अकेला। अपना तरफ से देखिए, पूरा पानी वहाँ ट्यूबवेल से निकल कर दे रहा था मैंने। तो देख लीजिए, यहाँ पूरी तरफ इसी में देख लीजिए, इसी में एक साग लगाया वहाँ तक, और एक ये है, और दूसरा तीसरा ये है, चौथा वो है, फिर भी वहाँ साग, जितना साग का हर एक साग एक एक ही लगाया मैंने इसी में। तो आज पानी पूरा थोड़ा पानी हाथ से दिया मैंने। तो भाइयों, आज के लिए ज़्यादा नहीं बनाने चाहता हूँ वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को थोड़ा कमेंट चाहिए, और कैसे तरीके से इसी की, जैसे कि खेती हो रहा है तो बताइए, जो भी उड़ीसा में देख रहा है भाइयों और उड़ीसा का बाहर में खेती भाइयों को, मेरे को जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं।
जैसे कि मैंने अकेला ही अपना खेत में खेती कर रहा हूँ, और 75 डिसम्बर मैं पहले से बता चुका हूँ आप लोग को, जैसे कि मैंने पहले से ही अपना खेती को अकेला हूँ मैंने खेती करता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ भी। जैसे कि मेरे जैसे और भी कुछ कोई भाई हूँ कि ऐसे खेती करते चले आया है, तो उन लोग के साथ मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ही काम करूँ जैसे कि अपना वही है इनकम। अभी तो 3 महीना तक कुछ इनकम भी नहीं है हम लोग का, तो हम लोग का जब तक जैसे कि सब्जी वगैरह नहीं निकलते तब तक के लिए हम लोग को बहुत परेशान होना पड़ता है। देखिए यहाँ का खेती करने का ट्रैक्टर पैसा और बीज का पैसा और भी जितना भी पौधे के लिए जितना भी जो दवाई वबाई आते हैं इसी के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है भाइयों। तो वीडियो को थोड़ा और थोड़ा आगे बढ़ाइए मेरे को, और आपका कमेंट सेक्शन में पूरा खाली है, कमेंट लिख लीजिए पूरा आराम से। मैं उड़ीसा का हूँ और उड़िया भी जानता हूँ, मैं आदिवासी आदमी हूँ, मेरे को पहले से मैं आपको बता चुका हूँ, अगर पहले वीडियो दिखाया तो मैं बताऊँ उड़िया भी मैंने कुछ बोला है, तो उड़िया भी बोला आदिवासी भी बोला, तो कोई भी रिप्लाई मेरे को अभी तक नहीं दिया है कि आप लोग हिंदी क्यों करते हैं कि आदिवासी में नहीं बोलकर, तो उड़ीसा में रहकर भी उड़िया भी नहीं क्यों बोलता है, तो ये भी रिप्लाई नहीं आया मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरे खेती करना है। तो आपको बताने के मतलब मेरा कुछ नहीं है, तो मेरे को भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा वीडियो अगर आप देखते तो आपका सपोर्ट ही रहेगा, तो मेरे खेती में आगे ऐसे बढ़ाते रहूँगी जरूर मैंने। तो अभी तक तो देखिए दवाई वबाई आज भी लाने के लिए था, लेकिन अभी दवाई भी नहीं लाया, तो ऐसे ही बात करते रहिए। मैंने आपको लोगों का ऐसे ही आपके साथ ऐसे ही चलना मैं भी चाहता हूँ, और तो जितना भी चासी मतलब खेती का भाइयों का जो बोलता हूँ, तो मैं भी यहाँ बहुत अभी देखिए 3 महीना का हम लोग का बहुत परेशान इसी खेती में, क्योंकि 3 महीना जब तक हम लोग का सब्जी वगैरह नहीं निकलेगा तब तक के लिए हम लोग को बहुत परेशान करना पड़ेगा, तो अपना खेती में तो खेती में लगे रहो और ज़िंदगी जियो, यही मेरा मकसद है और कुछ नहीं। तो मैं भी गाड़ी लाइन में एक दिन था, तो गाड़ी लाइन का बहुत प्यार ढेर सारे दिया है, तो अभी तो कोई भी मेरा जितना भी वीडियो बनाया मैंने भी रास्ता जो दिखाया, मैं टेंशन में था, कोयडा बड़बिल ये सब लाइन में मैंने भी गाड़ी चला रहा था, तो मैं सोचा कुछ गाड़ी को छोड़कर मेरे को और भी खेती लाइन जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने गाड़ी लाइन को फिर वापस आया। कोई बात नहीं, मैं खेती करूँगी ज़रूर। तो अभी पैसा के लिए बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए पहले इसी साल में 11 साल तो नहीं खेती में नहीं आया था, तो उसका अगले साल में मैंने खेती में आया था, तो अच्छी हो रहा था खेती, तो कुछ परेशान वजह से मैंने अभी तक इतना परेशान हुआ था कि मेरे को तो मैं बता भी नहीं सकता आप लोग को, तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करो मैं बताऊँगा ज़रूर। और तो के लिए मेरा वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो गाड़ी लाइन का एक दिन मैंने बताने के लिए बहुत कोशिश किया है, तो बहुत रिप्लाई भी आया कि कमेंट वमेंट वगैरह बहुत आया है, तो बोला भाई आपके साथ ज़िंदगी हम रहेगा, बहुत 1 महीना में बहुत सब्सक्राइब आया था, तो उन लोगों ने बोला मेरे को भाई आप लोग गाड़ी लाइन में अच्छी बनाते हैं तो गाड़ी लाइन में रहो। नहीं मैं बोला फिर भी इसी वीडियो के साथ साथ भी बोला मैंने गाड़ी चलाते समय भी, तो भाइयों देखिए मैं गाड़ी लाइन का एक साल पूरी किया हूँ मैंने गाड़ी चलाने चलाते, और इतना परेशान में होते ही है गाड़ी लाइन का आपको बता नहीं सकते। तो जो भाइयों चलाते अच्छे से रहो और अच्छे चलाओ, और परिवार अपना परिवार के साथ सुख शांति के लिए अच्छी चलाने के लिए रहो और चलाते रहो, तो मेरा दुआ इतना ही। तो मैं अभी जुड़ चुका हूँ इसी अपना फैमिली के साथ, मतलब ये जैसे कि खेती वगैरह खेती बेती खेती करना मेरा मकसद था, तो मैं खेती करूँगी ज़रूर एक दिन, ऐसे अच्छा आदमी बनना है तो पूरी अपना ताकत को लगाना पड़ेगा खेती में, क्योंकि जैसे कि हम लोग को अभी तो गाड़ी लाइन में अपना सीट ड्राइवर पर बैठे बैठे पैसा कम से कम कितना कमाएगा, 10,000 15,000 तो 15,000 तो कम से कम कमाएगा, लेकिन
इतना मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन भी मेहनत पूरी करना पड़ेगा, तब तक के लिए आपको 20-15 हज़ार तक मिलेगा। तो अपना खेती के साथ परिवार को देखूँ और अच्छी से परिवार चलाऊँ, यही मेरा मकसद था। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना है, बहुत टाइम हो चुका है आपको लिया है, तो लाइक तो बनते हैं ना यार, लाइक कहीं के लिए नहीं देते, लाइक दे दूँ, देख रहा है तो लाइक दे दीजिए। लाइक देने के लिए टाइम आपका मतलब MB भी नहीं ख़त्म होते तो लॉस भी नहीं होते, तो कहीं के लिए रखते हैं। तो अगर कमेंट में कुछ लिखना है, पूरा कमेंट वो से पूरा खाली है, तो लिख दीजिए, जो भी आपका मन जो भी सोच रहा है लिख दीजिए। और मेरा कहानी पूरी तरह बताऊँगी अगला वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।